गाइस, माइक्रोसॉफ्ट का 27 साल पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर आज बंद हो चुका है। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल ये बात है साल 1995 की, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने आते ही इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय 90% से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स सिर्फ इसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 90 के दशक के बाद साल 2002 में मोजिला फायरफॉक्स ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को एक बड़ा झटका दिया, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स एंड्रॉइड और iOS दोनों सिस्टम को सपोर्ट करता था और ये फीचर इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास नहीं था। पर तब भी विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर की पॉपुलैरिटी बनी हुई थी। लेकिन साल 2007 में एंट्री हुई गूगल क्रोम की, जो बाद में इतना पॉपुलर हो गया कि उसने इंटरनेट एक्सप्लोरर के यूजर्स की संख्या को घटाकर 5% ही कर दिया। और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने 15 जून 2022 को यानी रिसेंटली इसे बंद कर दिया है। लेकिन गाइस, माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, जो गूगल क्रोम को अपने नए फीचर से टक्कर देने की तैयारी में है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि इंटरनेट ब्राउजर की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंडिया के बैंक नोट्स यानी कि हरी पत्ती के बारे में 5 ऐसी चीजें जो शायद आपको नहीं पता होंगी। पहला, गांधी जी की फोटो सबसे पहले साल 1969 में नोट्स यानी कि हरी पत्तियों पर आई थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फोटो कोई ड्रॉइंग नहीं है, बल्कि उनकी ओरिजिनल फोटो है। दूसरा, हम सबको लगता है कि नोट सिर्फ कागज के बनते होंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि RBI के हिसाब से जितने भी नोट हैं वो 100% यानी कि 100% कॉटन से बने होते हैं। तीसरा, आज भले ही 2000 का नोट सबसे बड़ा आपको लगता हो या आप मानते हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि इंडिया में 10,000 रुपए का नोट भी छपा था। चौथा और आखिरी, साल 1950 में इंडिया में सबसे पहले गांधी जी वाले नोट प्रिंट हुए थे, जिसमें सबसे पहले 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट्स को प्रिंट किया गया था। वैसे गाइस, इंडियन करेंसी यानी कि हमारी हरी पत्ती के बारे में ऐसा कौन सा फैक्ट है जो आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोस्तों, देश में कांग्रेस पार्टी भले ही सिमटती जा रही है, लेकिन उसके कद्रदान अभी भी जहां तहां मौजूद हैं। और इसी का नमूना देखने को मिला उत्तराखंड के देहरादून में, जहां 78 साल की एक महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दी, जिसमें 50 लाख की प्रॉपर्टी और 10 तोला सोना शामिल है। पुष्पा मुंजियान नाम की इस महिला ने राहुल गांधी को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक देते हुए देहरादून की अदालत में वसीयत पेश की है। पुष्पा मुंजियाल ने राहुल गांधी और उनके विचारों को देश के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के विचारों से काफी प्रभावित हैं और इसलिए वो उन्हें अपनी सारी संपत्ति दे रही हैं। बहरहाल, इस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इंडिया में जो भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ज्यादातर स्कैमर्स फ्रॉड करने के बाद UK भाग जाते, फिर चाहे वो विजय माल्या हो या फिर नीरव मोदी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि UK ही क्यों? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि UK में किसी भी क्रिमिनल या स्कैमर को 2 मिलियन पाउंड में गोल्डन वीजा मिल जाता है, जिससे वो आसानी से UK में एंटर हो जाता है। और यही नहीं, UK गवर्नमेंट भी अपने अनएथिकल टाइप के नियम और कानूनों से इन लोगों की मदद करती है, जिससे वो आसानी से फ्रॉड मनी का यूज करके वहां प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। सिर्फ UK ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस तरह के स्कैमर्स को मदद करते हैं, और इन्हीं स्कैमर्स की वजह से इन देशों की GDP में ग्रोथ होती रहती है। अपने इन अनएथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन गाइस, ये किस हद तक जायज है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।